खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से है। सिद्धार्थनगर में बीती रात करीब 10 बजे एक 14 वर्षीय लड़की ने आत्महत्या कर अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। मामला जोगिया थाना अंतर्गत निवासी रसिक बिहारी की लड़की के साथ चार लड़के अक्सर छेड़खानी किया करते थे, जिससे मृतिका बहुत दुखी रहती थी। छेड़खानी करने वाले लड़के मृतिका को धमकी भी देते थे कि अगर घर पर किसी को बताया तो जान से मार देंगे। डर के कारण लड़की ने अपने घर पर किसी को कुछ नहीं बताया। परिजनों की तहरीर के अनुसार कल शाम को मृतिका अपने भाई के साथ बाजार गई थी, जहां पर सामान खरीदने के लिए उसका भाई दुकान पर चला गया। तभी चारों लड़के वहां पहुंचकर लड़की के साथ छेड़खानी करने लगे, जिस पर शोर मचाने पर चारों लड़के भाग गए। अपने साथ हुए इस घटना से दुखी होकर घर लौटते ही लड़की ने आत्महत्या कर ली, जिसमें लड़की के पिता ने चार लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर न्याय की मांग की है। वहीं मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र चंद्र रावत ने इस प्रकरण में कहा कि लड़की के पिता की तहरीर पर कार्रवाई की जा रही है, इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। दुखद घटना हुई है अभी जोगिया तिराहे पर, और यहाँ पर अभी थाना प्रभारी और पूरा पुलिस बल यहाँ मौके पर मौजूद है, और तत्काल अभी तहरीर ये लोगों ने दिया है। अभी इसका पंचायतनामा भर के हम लोग पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, और जो लोग भी इसमें नामजद हैं उनको तत्काल अभी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ साक्ष्य संकलित कर रहे हैं, सबके बयान दर्ज कर रहे हैं, और जितनी कठोर कार्रवाई संभव है उतनी कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।